गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मैथ्स क्लास फॉर फोर्थ क्लास टर्म वन. टुडे आवर टॉपिक इज एस्टिमेटिंग द सम. ओके, इफ यू वॉन्ट टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू सेक्शन ऑफ क्लास फोर्थ विच हैव 38 एंड 43 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, वी कैन मेक क्विक कैलकुलेशन एंड गेट अ रफ आइडिया ऑफ द सम. वी राउंड ऑफ 38 एंड 43 to get 40 and 40. The sum of 40 and 40 is 80. We say we have estimated the sum. The estimated sum is very close to the actual sum of 38 and 43, which is 81. So, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर दो क्लास, दो सेक्शंस, फोर्थ क्लास के दो सेक्शंस के स्टूडेंट्स को हमको कितने हैं कैलकुलेट करना है, तो हम जल्दी कैलकुलेट करना है तो कैसा करते हैं? तो फॉर एग्जांपल अब 38 है, 43 है, तो अब हम आपको 38, 43 मतलब काउंट कर लेते हुए रहते. तो एक क्या है, 38 किसके नियरेस्ट रहता? 40 के. और 43 किसके नियरेस्ट? 40. तो 40 प्लस 40 कितना होता? 80. हाँ, नियरेस्ट 80 है स्टूडेंट्स दो क्लासेस में मिला, कैसा हम एस्टिमेटेड बोल दे सकते. तो ये इसमें फिर हम अब 38 है, 43 है. अब 38 में 43 ऐड करें तो 81. तो क्या है, 80 और 81 थोड़ा नियरेस्ट है ना, थोड़ा ना बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है. तो एग्जांपल देखिए, थ्री जार्स कंटेनिंग 68, 82 एंड 109 टॉफीज वर एम्प्टाइड इनटू ए बिग जार. हाउ मेनी टॉफीज आर देर इन ए बिग जार? नाउ एस्टिमेटेड द सम एंड फाइंड द आउट ऑफ द एक्चुअल सम. यहाँ पे क्या है, थ्री जार्स कंटेनिंग में है, उसमें जार्स है, उसमें क्या है, टॉफी से एक में 68, 82, 109 है. तो हम 68 किसके नियरेस्ट होता है, 82 और 109 किसके नियरेस्ट होता है, वो पहले हम उसमें काउंट कर लेना. तो 68 राउंडेड अप टू किसके नियरेस्ट होता है, 70 के. 82 किसके नियरेस्ट होता, 80 के. और 109 किसके नियरेस्ट होता, 110 के. ये इसके नियरेस्ट होता है. इन सबका सम क्या होता है, 0 0 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16, 6 कैरी 1 आता है यहाँ पे, 112. तो एस्टिमेटेड यानी एस्टिमेटेड टॉफिस कितने हैं उसमें, 260 है. ओके, तो एक्चुअल सम क्या होता, 68 प्लस 82 प्लस 109 कितना होता, 259 होता है. ये है एक्चुअल सम, ये एस्टिमेटेड सम है, ये एस्टिमेटेड सम है. ओके, एक्सरसाइज फोर, एस्टिमेटेड द सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड फाइंड द एक्चुअल सम, फाइंड द डिफरेंस. क्या करना है यहाँ पे देखो, 8824 एंड 362 है इसका एस्टिमेटेड सम क्या होता और एक्चुअल सम क्या होता और डिफरेंस क्या होता हमको मालूम करना है. तो देखिए सॉल्यूशन इसका, वी राउंडेड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. नियरेस्ट क्या करना है हमको, हंड्रेड्स करने, एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर का राउंडेड अप टू क्या होता, 820. 24 किसके नियरेस्ट होता, 20 के नियरेस्ट होता, 820. नेक्स्ट 362 किसके नियरेस्ट होता, 60 के. तो 360 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3 11. एक्चुअल सम क्या करना है माँ को, 824 में कितना 362 को ऐड करना है. तो 4 प्लस 2 6 2 प्लस 6 8 8 प्लस 3 11. तो यहाँ पे देखिए 1186 है, यहाँ 1180 है, दोनों में डिफरेंस कितना है, ये कितना ज़्यादा है इससे, 80 81 82 83 84 85 86, सिक्स नंबर्स का डिफरेंस है. तो देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड सम कितना है, 1180 है. एक्चुअल सम कितना है, 1186 है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 है. 74 88 है, तो 74 इसका एस्टिमेटेड क्या होता, 70 90. तो दोनों को काउंट करें तो 70 और 90 को काउंट करें तो 0 7 प्लस 9 16,
एक्चुअल सम क्या है, 74 और 88 है, तो वंस वंस को ऐड करो, 8 प्लस 4 कितना होता, 12, 2 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, तो 160, 162 है, तो डिफरेंस कितना है, 2 है. नेक्स्ट विविट एस्टिमेटेड द सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, देन फाइंड द एक्चुअल सम. अब क्या करना है इसमें, ये थ्री नंबर्स में क्या करना है, यहाँ पे टेंस लिए ना, यहाँ पे थाउजेंड्स लेना है, राउंडेड ऑफ कितना लेना है, 1000 लेना है, और एक्चुअल सम हमको फाइंड करना है. एस्टिमेटेड द सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, देन फाइंड द एक्चुअल सम. 5078 प्लस 1734. अब ये क्वेश्चंस में क्या करना है, नियरेस्ट 1000 हमको फाइंड करना है. तो एस्टिमेटेड सम क्या होता है, 5078 है, तो 5078 किसके नियरेस्ट होता है, 5000 के होता है, 6000 के होता है, 5000 के. नेक्स्ट 1734 है, ये 1000 के नियरेस्ट होता है ना, 2000 के नियरेस्ट होता, तो 2000 के ये नियरेस्ट होता. 5000 में 2000 ऐड करें तो कितना होता, 7000 होता. हमको एक्चुअल सम हमको फाइंड करना है, तो फाइंड कैसा करते हैं, 5078 प्लस 1734 है, उसको क्या करना, कॉलम्स में ऐसा लिख लेना, लिख लेके क्या करना, ऐड करना. 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 7 प्लस कैरी 1 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 1, कैरी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 7 8, नेक्स्ट 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल सम. ये एस्टिमेटेड सम है और ये एक्चुअल सम है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 39167, 19009, 65432 है. तो इसका फर्स्ट हम क्या करना है, एस्टिमेटेड सम यानी किसके नियरेस्ट राउंडेड किसके है वो हमको फाइंड करना है. तो 1000 का देखना है ना, तो 39167 है, तो ये किसके 39000 के नियरेस्ट होता. 19009 है, ये 19000 के नियरेस्ट होता. 65432 है, तो हमको नियरेस्ट 100 देखना हो, तो 100 से पहले वाला नंबर कौन सा है देखना है. यहाँ पे 4 है, 4 मीन्स क्या है, 5 से कम है ना, तो ये नंबर सेम लिखना, कुछ भी ऐड नहीं करना. तो 65000, तो इन तीनों को ऐड करो तो कितना होता, 1,23,000 होता. ये हो गया एस्टिमेटेड सम. नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल सम को क्या करना, कॉलम्स में हमको ऐसा लिख लेना, लिख लेके ऐड करना. 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2 18, 8 कैरी 1, 6 प्लस कैरी 1 7, 7 प्लस 3 10, 0 कैरी 1, 1 प्लस कैरी 1 2, 2 प्लस 4 6, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 5 23, 3 कैरी 2, 3 प्लस कैरी 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12. तो देखिए यहाँ पे 1,23,608 है, यहाँ 1,23,000 है, तो ये दो नियरेस्ट है, ये एक्चुअल सम है और ये एस्टिमेटेड सम है. नेक्स्ट 56,670, 24,459, 32,648. फर्स्ट हमको एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है, तो एस्टिमेटेड में क्या करते हैं हम, किसके नियरेस्ट 1000 में किसके नियरेस्ट है वो देखते हैं. 56,600 है यहाँ पर, कभी भी 100 हमको नियरेस्ट देखना है तो उससे पहले वाला नंबर पे 5 है, 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है वो चेक करना. तो ये 6 है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो क्या होता है नंबर यहाँ पे 1000 वाला नंबर में प्लस 1 ऐड हो जाता, तो 6 में प्लस 1 ऐड करें तो 7, तो 57000. नेक्स्ट 24,459, तो ये 24,000 के नियरेस्ट है. 32,648 है, ये 33,000 के नियरेस्ट है. इन तीनों को सम करें तो कितना हो रहा, 1,14,000 हो रहा. अब इसका एक्चुअल सम हमको फाइंड करना है, तो कैसा करते हैं, इसको कॉलम्स में लिख लेना. 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 8 17, 7 कैरी 1, 7 प्लस कैरी 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 7 कैरी 1, 6 प्लस कैरी 1 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 7 कैरी 1, 6 प्लस कैरी 1 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 3 कैरी 1, 5 प्लस कैरी 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11. ये हो गया एक्चुअल सम, ये हो गया एस्टिमेटेड सम. तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, देखिए एक्सरसाइज 4 में
ए बिट के ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के नोटबुक में रहना, और बी बिट के ये थ्री क्वेश्चंस आप लोगों के नोटबुक में कंपलसरी, ये वन टाइम, ओके वन टाइम आप लोगों के नोटबुक में कंपलसरी लिखना, ओके और मैथ्स के लिए अलग से नोट्स रखना, नीट लिखना, एंड आप लोगों को होमवर्क फोर ओ क्लॉक तक ऑन टाइम ग्रुप में सेंड कर देना। थैंक यू।